दोस्तों, जब भी आयुर्वेद की बात उठती है, एक इंसान के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि वो आयुर्वेद को क्यों इस्तेमाल करे, वो आयुर्वेद को फॉलो करना चालू क्यों करे, जब उसके पास ऑलरेडी एलोपैथी दवाइयों का इलाज मौजूद है। चलिए आज हम आपको बताते हैं आयुर्वेद के बारे में और जानते हैं कि आखिर आयुर्वेद का पालन करने के फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद कोई आजकल का ज्ञान नहीं है, आयुर्वेद हमारी धरती पर हजारों साल पहले से आ चुका है। आपको ये तो पता ही होगा कि आजकल भारत रीति रिवाजों की वो चीजें जो भारतीय नहीं मानते, उन चीजों का पूरी दुनिया भर के लोग मानने लगे हैं। ऐसी चीजों में से आयुर्वेद भी एक है। दुनिया भर के कई डॉक्टरों ने माना है कि आयुर्वेद में मौजूद ज्ञान अभी भी अतुल्य है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद में सिर्फ दवाइयों के बारे में नहीं बताया गया है, आयुर्वेद में बताया गया है कि अपनी आयु को लंबा कैसे करें, जिसके अंतर्गत आपका रहन सहन, आपके आचार विचार और औषधियाँ भी पाई जाती हैं, जिससे आपकी उम्र कई सालों तक लंबी की जा सकती है। आपको ये बता दें कि आयुर्वेद का ज्ञान सीधा प्रभु ब्रह्मा से इंसानों के पास आया था और धीरे धीरे कई बड़े वैद्यों ने इस आयुर्वेद को धीरे धीरे रिसर्च करके इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि इंसान की कोई भी बीमारी उनके द्वारा ठीक कर दी जा सकती थी। जब कई हजार सालों पहले तक्षशिला की लाइब्रेरी जला दी गई थी, तो इसमें आयुर्वेद की भी कई सारी किताबें जला दी गई थी और कई सारा ज्ञान जल के भस्म हो गया था, पर उसके बावजूद कई चीजें बच गई थी और ये चीजें भी इतनी शक्तिशाली हैं कि इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर दिखाए। आयुर्वेद में हर शाखा को नहीं देखा जाता, जैसे कि एलोपैथी में होता है कि अगर आपकी आंख खराब है तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपका हाथ पैर खराब है तो आप उसके डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपका हार्ट खराब है तो आप उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। समझ लीजिए कि इंसान एक पेड़ नुमा है, अगर पेड़ की जड़ें मजबूत रहेंगी तो पेड़ भी मजबूत रहेगा। आयुर्वेद में इंसान की जड़ें मजबूत करने पर ही जोर दिया जाता है। इंसान के खान पान से और तरह तरह की औषधियों से उसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग कर दी जाती हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियां भी उन पर असर नहीं कर पाती और उन्हें इनसे सहने की शक्ति मिलती रहती है। आयुर्वेद का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि आयुर्वेद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हजारों साल के रिसर्च के बाद ऑलरेडी प्रूव्ड है। ज्यादातर एलोपैथी दवाइयाँ जब मार्केट में आ जाती हैं तो इन पर कई सालों तक रिसर्च होता रहता है और कई बार 20 से 30 साल बाद भी ये पता चलता है कि वो दवाई नुकसान कर रही है और उसे बंद कर दिया जाता है। वहीं आयुर्वेद की औषधियाँ पहले से ही प्रूवन है और इनका इस्तेमाल हजारों साल से किया जाता जा रहा है। आयुर्वेद आपके किचन में ही मौजूद है। आप अपने किचन में जो अदरक, लहसुन और ये सब मसाले वगैरह खाते हैं, ये भी आयुर्वेद का हिस्सा है और ये आपके शरीर की कई सारी चीजें अच्छे करने की काबिलियत रखते हैं। यानी कि आयुर्वेद बहुत ही बड़ा और व्यापक है। आप भी चाहें तो आयुर्वेद से जुड़ के अपनी अच्छी सेहत के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। आयुर्वेद से जुड़ने के लिए नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से फ्री सलाह के लिए कॉल करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत है और मैं आपको रेगुलर उन पेशेंट से मिलवाता चला जा रहा हूं और रोजाना हम आपको इन पेशेंट से मिलवाते हैं, उन्हीं की जबानी उन्हीं की कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार से वो किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे और आज उनको उसी बीमारी से निजात मिली है। जिनका डायलिसिस चल रहा था उनका डायलिसिस बंद हुआ है, जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था उनका क्रिएटिनिन काम होना शुरू हुआ है, जिनका ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया था उनका ट्रांसप्लांट बंद हुआ है। तो ऐसे आज हमारे पास हजारों की संख्या में टेस्टिमोनियल्स हैं, पेशेंट की वीडियोस हैं और पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसको ला इलाज कहा जाता है। हमने उसमें से ला हटा दिया और उसका इलाज कर रहे हैं और आज कर्मा आयुर्वेदा उस इलाज में बहुत सक्सेस भी प्राप्त कर रहा है। और ऐसे आज हमारे साथ अंगिनत पेशेंट जुड़ चुके हैं, उन सबकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। ऐसे जितने भी आपको वीडियोज मिलेंगे हमारे चैनल पर, उन सभी वीडियोस के आपको अलग अलग रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेंगी। वो सभी रिपोर्ट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों की होती हैं, अलग अलग लैब्स की होती हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की होती हैं, अलग अलग स्टेट्स की होती हैं और वो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स मिलेंगी। आज पूरे विश्व भर के पेशेंट जो है वो कर्मा आयुर्वेदा से जुड़ चुके हैं और उनको अनेकों प्रकार से लाभ भी मिला है और ये जो एक चेन की तरह बढ़ता चला जा रहा है। अगर किसी को फायदा होता है तो वो आगे बताते हैं और वो हमसे और भी लोग जुड़ रहे हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। अभी पूरे देश में लॉकडाउन का समय चल रहा है तो इस समय हमारी जो है सर्विसेज उस प्रकार की नहीं हो पा रही हैं,
लेकिन आपको कॉल आएगा अगर आप हमें कॉल करेंगे, हो सकता है डिले से आए, थोड़े टाइम लग के आए, लेकिन आपको कॉल आएगा। अगर आपको किडनी से रिलेटेड, किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका इलाज जो है वो कर्मा आयुर्वेदा ने ढूंढ निकाला है। जी हाँ, कर्मा आयुर्वेदा ने ये इलाज ढूंढ निकाला है कि किडनी का इलाज जो है वो किस प्रकार किया जा सकता है। एक साइंटिफिक तरीके से एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया है। अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं, अगर आप इस प्रकार से उसका डाइट फॉलो करते हैं, इस प्रकार से योगा करते हैं, तो आपको लाभ निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अनगिनत पेशेंट्स को लाभ हुआ है। अगर उनको लाभ हो सकता है तो आपको भी हो सकता है लाभ। जरूरत है तो सिर्फ एक बार नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करने की और हमारे डॉक्टर्स द्वारा बताए गए नियमों का और दबाव का पालन करने की, सेवन करने की, तो निश्चित रूप से अगर कोई डायलिसिस पर है तो डायलिसिस भी कम होगा, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्रिएटिनिन भी कम होगा। किडनी की से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का संपूर्ण तरीके से इलाज जो है वो कर्मा आयुर्वेदा ने ढूंढ निकाला है। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।